चेंजेस आए फाइनेंस फैसिलिटी में शॉप पे. तो पहले आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स के लिए हमने फाइनेंस स्टार्ट करा हुआ है. सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम फ्रॉम मिस्टी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो. तो ये जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी 5-6 बाइक्स को लेके, जो उसके बाद की हमारी वीडियो थी जो पाजी ने एडिट करी थी, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी. हम फिर से आ चुके हैं आपके पास कोई नई बाइक लेके, एक बहुत प्यारी सी बाइक लेके फिर से पाजी के साथ. और पाजी के हाल है? बेकार है. आप सुनाओ कैसे हो? आपके बेकार भी, हमारे भी बेकार है. ऑडियो ख़राब कर दिए ऐसे सारी वीडियो का यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. फिर से चेक कर ले एक बारी. चालू है ठीक है. तो इसने ऑडियो सारा ख़राब कर दिया. इतनी प्यारी मैंने बनाई थी वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल थैंक्स टू हिम, माइक ने खराब करा. तूने खराब करा माइक तेरा, तूने खराब. जैसे कि इसने लास्ट वीडियो के अंदर ऑडियो ख़राब कर दिया था, बट एनी वेज फिर भी डाल दिया. गालियाँ पड़ी थोड़ी सी, बट थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस. बाकी आज फिर से एक नया धमाका लेके आप लोगों के लिए, एक नई बाइक लेके आया हूँ, विच इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. कलर स्कीम भी अच्छी है और बाइक भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है. तो देख ही ली होगी, बाकी थंबनेल में देख ही ली होगी. हाँ, हमारी जनता बहुत स्मार्ट है. एग्जैक्टली. सो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब सिनेमैटिक्स एंजॉय करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. होप करता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट्स बहुत पसंद आए होंगे जो मैंने आपको बाइक के दिखाया है. बाकी हल्की सी झलकियाँ दिख रही होगी बाइक की, बाकी पाजी बताएंगे कौन सी बाइक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है. एग्जैक्टली. तो सिनेमैटिक्स आपने देख ही लिए हैं. बाइक का नाम आपको बता देता हूँ, दिस इज़ कावासाकी वल्कन. तो ये जो बाइक है दिस इज़ वेरी रेयर, बहुत कम बिकी है और बहुत कम देखने को मिलती है. शॉप पे पहली बार आई है ना? शॉप पे भी पहली बार ही आई है, सरस्वती मोटर्स के ऊपर. बट व्लॉग पहली बार ही बन रहा है, शॉप पे पहली बार यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आई है ये. तो बाइक सिनेमैटिक्स आप देख चुके हो, तो चलिए अब आपको बाइक की डिटेल्स वगैरह बताता हूँ, कौन सी बाइक है, क्या मॉडल है, क्या डिटेल्स है. चलिए लेट्स स्टार्ट, आइए. सो गाइस, सुपर बना ले यार, दिस इज अ वॉइस ओवर, आप इसको देख सकते हो. तो अब सारी जो डिटेल्स बताएंगे वो जसनीत पाजी बताएंगे, तो पाजी स्टार्ट करो. सो गाइस, अगर इस बाइक के बारे में बात करें, सो दिस इज कावासाकी वल्कन एस, जैसे आपको देखने को मिल रहा है. इसके अंदर एक्सेसरीज एंड फर्स्ट एंड फॉर्मर्स अगर आगे से शुरुआत करें तो उसमें ही लिखा हुआ है ABS, ये ABS मॉडल है. उसी के साथ साथ ABS वैसे कम स्टैंडर्ड एंड वल्कन, इसके अंदर लगा हुआ है लेग गार्ड, जो आप लेग गार्ड देख रहे हो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा. दिस इज अ लेग गार्ड ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी. साथ ही साथ इसमें आगे लगी है रेडिएटर ग्रिल्स, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आपको बता रहा हूँ जो इसमें लगा हुआ है. उसी के साथ साथ फ्रंट के अंदर इसके अंदर लगा हुआ है टॉल विंडस्क्रीन, एक काफ़ी टॉल वाइजर लगा हुआ है जो आपको विंड ब्लास्ट से बचाता है. और हाई स्पीड अगर आप क्रूजिंग कर रहे हो तो काफ़ी एक अच्छा विजन मिलता है, क्योंकि आपको विंड ब्लास्ट नहीं मिलता है. सो इसके अंदर लगा हुआ है कि टॉल विंडस्क्रीन. साथ ही साथ इसके अंदर पीछे आपको मिल जाता है बैकरेस्ट विद योर लगेज कैरियर. तो बैकरेस्ट का क्या काम आता है? बैकरेस्ट अगर कोई पिलियन आपके साथ में है तो हाई स्पीड के अंदर जैसे आप रेस देते हो तो पिलियन को थोड़ा स्लिप ना हो, एक अच्छा सा लुम्बर सपोर्ट मिल जाए, तो बैकरेस्ट कम्स इन हैंडी इन दैट केस. दोनों तरफ सारी गार्ड्स तो लगे हुए हैं, उसके राइट साइड में भी लगा हुआ है. और जो पीछे थोड़ा सा कैरियर लगा हुआ है दैट इज़ फॉर योर, अब टूरर बाइक है, टूरिंग बाइक है, शॉर्ट क्रूज़र है, तो क्रूजिंग करने जब भी आप निकलते हो तो थोड़ा बहुत कुछ भी सामान है आप उसको पीछे अच्छी सी स्पेस है, जिधर अपना एक अपना अच्छा सा कोई बैग आप टाइप कर सकते हो, तो आपके शोल्डर्स पे इतना लगेज ना रहे. एंड ये छोटा बहुत टू ब्रदर्स का स्टिकर देख रहे हो, आपको देखने को मिला होगा इसकी चेसी पे. टू ब्रदर्स रेसिंग का मतलब यही है, इसके अंदर TBR एक ब्रांड है जिसको टू ब्रदर्स रेसिंग बोलते हैं वैसे बकायदा. इस बाइक के अंदर लगा हुआ है टू ब्रदर्स रेसिंग का फुल सिस्टम, बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक एग्जॉस्ट. अब इसकी जो आवाज़ है दैट्स वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल, इसकी आवाज़ भी आपको वीडियो में आगे सुनने को मिल जाएगी, वो भी आवाज़ सुन सकते हो आप. अब ये वॉइस ओवर है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस हैपनिंग, जो वीडियो कुछ और चल रही है और आवाज़ कुछ और आ रही है गाइस. सो एक TBR एग्जॉस्ट की भी अगर कॉस्ट की बात करें तो नियर अबाउट 75,000 रुपीज़ का ये एग्जॉस्ट है. ये फुल सिस्टम है गाइस, अगेन स्लिप ऑन नहीं है, आपको स्टॉक एग्जॉस्ट भी साथ में मिल जाएगा.
और दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरीज विच आर लोडेड इन दिस कावासाकी वल्कन एस। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ जो इसका डैश है, इसका स्पीडोमीटर है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सी इसके अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का जलता है, विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आपको ABS की मार्किंग देखने को मिल जाएगी, दैट डिनोट्स कि इसके अंदर ABS अभी फ़िलहाल एक्टिव है। अब जैसे ही थोड़ी सी बाइक आगे बढ़ाओगे तो ABS की लाइट बंद हो जाती है। सो ये एक ABS इनेबल्ड बाइक है, ABS कम्स इन स्टैंडर्ड इन वल्कन एस। और डैश के अंदर अगर आप देखोगे ये न्यूट्रल N लिखा हुआ है, दिस स्टैंड्स फॉर योर गेयर। अब इसके अंदर कौन से गेयर पे है ये, तो वो गेयर आपको दिखाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको पता चल जाता है कि इन विच गेयर यू आर राइडिंग एज फॉर नाउ। तो ये एक प्रॉपर डैश है जो क्रूजर का होना चाहिए। हार्ली के अंदर भी गेयर्स वगैरह आते हैं, बट उसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट फीचर दूसरे किलोमीटर्स वगैरह जो मिस आउट हो जाते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट डिस्प्ले ऑन बोर्ड मिलती है। जैसे कि अभी हमने आपको बाइक की सारी स्पेसिफिकेशन बताई थी, अब आवाज़ सुनने की बारी आती है। तो आज भी हमारे साथ है अर्पित भैया, तो और भैया क्या जी, और तो अभी जसमीत भैया कुछ काम से गए, तो अर्पित भैया डिटेल्स देंगे कि कौन सा मॉडल है और आवाज़ सुना के दिखाएंगे। तो भाजी ये है जी 2018 मॉडल, जो कि जसमीत भैया ने बताई दिया होगा, तो ये मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी जैसे कि अभी आपने बाइक की आवाज़ सुनी, आपको बहुत पसंद आई होगी। बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ था टू ब्रदर्स का, तो भाजी एक बार प्राइस बता दीजिए। टू ब्रदर्स का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है और ये बाइक आपको 4,65,000 में हम लोग दे देंगे। अच्छा, और नेगोशिएबल वो तो है बिल्कुल ऑन टेबल। और इसके लिए एक और स्पेशल ऑफ़र है जो कि मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के चैनल को देख के आएगा, उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जो आकर भाई का नाम लेगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपने पूरी कावासाकी की जो वल्कन हमने आपसे आपको दिखाई, वो पूरी वीडियो आपने देख ली, उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं फाइनेंस फैसिलिटी में शॉप पे, तो पाजी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये भी तक कहीं पे भी नहीं बताया गया, मिस्ट्री बॉय पे आपको सबसे पहले सुनने को मिल रहा है। पहले बता चुका हूँ, नहीं जस्ट जोकिंग है, ऐसी बात नहीं। सो मैं एक्चुअली फाइनेंस को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया फाइनेंस है नहीं है या किन किन स्टेट्स के लिए। मेरे फेसबुक पेज पर भी जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें इतनी बार पता होगी कि मैं सारे पोस्ट के नीचे एक चीज लिखता हूँ कि फाइनेंस अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड स्टेट्स। उस सिलेक्टेड स्टेट्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आप किस किस के लिए फाइनेंस करते हो, क्या प्रोसीजर है, बड़ी सारी एक्सपर्स ये चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने पहले भी जैसे वीडियो में बोला था Q&A हम प्लान करेंगे छोटा सा, अब Q&A के लिए तो इतना नहीं है। जो मेन क्वेरी आती है, जो मेन क्वेश्चन मेरे पास आता है फाइनेंस का, तो मैं चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट स्टे ट्यून, शायद आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट हो जाए, तो बने रहिएगा। मैं आपको पहले एक बार ये चीज़ें बता देता हूँ, स्टेट्स बता देता हूँ, हमें क्या क्या नेसेसिटीज चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो पहले आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स के लिए हमने फिलहाल फाइनेंस स्टार्ट करा हुआ है। तो स्टेट्स आर एज फॉलोइंग, अगर आपकी स्टेट आती है तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। तो लोन्स जो अभी फिलहाल आपको मिल जाएगा बैंगलोर में, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, रायपुर, भोपाल, इंदौर, जयपुर, दिल्ली NCR तो है ही है, चंडीगढ़ एंड पटना। इसी के साथ साथ एक लोकेशन और ऐड हुई है जिसका नाम है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है वहां पे भी फाइनेंस हो जाएगा। तो अभी इन स्टेट्स के अंदर फिलहाल फाइनेंस हमने चालू कर दिया है, 13-14 स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स है इनमें फाइनेंस रेडिली अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब वो 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर आधार कार्ड, जो सबसे जरूरी है। सेकेंड हो गया आपका पैन कार्ड। थर्ड हो गया आपकी सैलरी स्लिप या आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है, आपके बैंक में जो भी आप जैसे भी लेना देना चल रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन कैसी हैं, हमें मिनिमम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक जॉब ID, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस का कुछ भी प्रूफ कि हाँ ये आपका बिजनेस है, कोई भी विजिटिंग कार्ड है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी वैसा हो। तो ये 4 चीज़ें आर द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंस। अब ये 4 चीज़ें दे दोगे तो आपका फाइनेंस हो जाएगा। एंड ये जो सिलेक्टेड स्टेट्स मैंने बताई है, इन स्टेट्स के लिए तो फाइनेंस है ही है, इनके अलावा भी अगर आप कहीं और से हो तो दोस्तों आपके लिए भी फाइनेंस हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक गारंटी चाहिए हमें दिल्ली के अंदर।
अगर आप कोई अपना आपको कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है या कोई आपका दोस्त है। अच्छा मतलब इंडिया में से वो बंदा कहीं से भी हो उसका भी दिल्ली में पहचान का होना चाहिए। कोई दिल्ली में अगर कोई उनका पहचान का है तो उनको फिर इन स्टेट्स के अलावा जिनका नाम नहीं आया अच्छा उनके लिए भी फाइनेंस हो जाएगा। प्रोवाइडेड कोई भी आप दिल्ली का गारंटर दे दो तो आपको मैं उसके लिए भी फाइनेंस करा दूंगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिए हैं और 75% अप टू 75% तक आपको बाइक की वैल्यू पे लोन मिल जाएगा। एंड मतलब वही 25% डाउन पेमेंट हो गया, 25-30% डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 75% तक है, अगर नॉर्मल प्रोफाइल है तो 50% लोन आपको इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद रही बात रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोना बी नियर अबाउट 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि थोड़ा बहुत मान लो 10.5-11 तक हो जाता है। एक्चुअली वी हैव टाइड अप विद अ फाइनेंस कंपनी, ये हम फाइनेंस भी कर रहे हैं, देयर इज अ कंपनी जिनके साथ हमने एक आपको ये एक प्रोवाइड करी है ये स्कीम। अब जो भी कुछ बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं आप मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे मेरा फेसबुक पेज का लिंक होगा, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ भी क्वायरी है, कोई भी मन में बात है, कुछ भी है तो आप मुझे एकदम आराम से बात कर सकते हो। और रही बात मेरे चश्मे की, काला चश्मा जो पहना है फिर से बता देता हूँ, पावर लेंसेज है, ये मैं दिखा देता हूँ अगर कैमरे में पता चलेगा तो। कहाँ है कैमरा लेंस का? लेंस पे लगा दो एक बार, ये देखो मेरी शक्ल छोटी दिख रही है। हाँ देखो उसकी शक्ल छोटी दिख रही है। ये बस थोड़ा स्वैग मेंटेन करने के लिए कलर है, बस थोड़ा सा टेंट जरूरी है ना लाइफ के अंदर, लाइफ हमेशा कलरफुल दिखती है। मैं भी जिस दिन पहले दिन आया था ना मेरे को लगता था पाजी बड़े स्वैग में रहते हैं, चश्मा वश्मा पहनते हैं, फिर मेरे को एक महीने बाद पता चला था कि पावर्ड लेंस है, पावर्ड लेंसेज हैं, तो बस उसीलिए पहने रखे हुए हैं, अच्छे लगते हैं। और मोर ओवर आंखें ज्यादा वीक है आपके भाई की, पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता था इंस्टाग्राम पे देख लेना आपको सारे चश्मे दिख जाएंगे मेरे। तो ये चीजें चलो जो भी व्हाटएवर इट वाज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ भी नई बाइक देखनी है उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट तो जरूर करना, मैं आगे कमेंट तो करना बनता ही है। लाइक कर दो, थोड़े सब्सक्राइब बढ़वा दो यार, एक ही जगह अटका दिए हैं, कंसिस्टेंट तो है नहीं, सब्सक्राइब बढ़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को, लाइक कर दो इसी वीडियो को, एंड शेयर भी कर देना अगर टाइम मिल जाए थोड़ा बहुत तो, कर देना भाई की वीडियो को अगर मेरे को पसंद कर तो शेयर कर देना। बाकी अपना चैनल खोलने जा रहा हूँ बहुत जल्द, बड़ी सारी चीजें बीच में फंसी हुई है, आप बताओ थोड़ा सा मोटिवेट करो, खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल खोलते हैं 1.5-2 महीने से पाजी, हर वीडियो में मेरे को ये बोलना है चैनल खोलना है, कमेंट आते हैं पाजी फिर नई वीडियो में चैनल खोलना है, थोड़ी सी मोटिवेशन कम हो जाती है ना इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही है। अब लोग मोटिवेट करेंगे बोलेंगे तो शायद 1 जनवरी को ही न्यू ईयर गिफ्ट दे दे, बॉम्ब गिरा दे। बस आज का वीडियो इतना ही, दारू लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसे प्यार देते रहो, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को एक वीडियो बनाना आपसे जब रूबरू होता हूँ तो, इट्स रियली एन ऑनर। अभी लास्ट वीडियो के अंदर एक सऊदी अरेबिया से फोन आया था मेरे को, उस बंदे ने बेचारे ने मतलब उनको कह रहा कि भैया आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आप वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे, तो आई लिटरली फेल्ट वेरी गुड कि सऊदी तक भी मेरी वीडियोस जा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे बस प्यार करते रहो, मोटिवेट करते रहो, एंड आपके लिए मैं कंटेंट लाता रहूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टरीबॉय व्लॉग्स, सी यू सो मच फॉर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, वी आर साइनिंग आउट टुडे, साइनिंग आउट, बाय, सी यू गाइस।